तो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एफसी में। देखिए यूपी ट्रिपल एससी ने जारी किया एक बहुत बड़ी अपडेट को और ये आज ही के दिन दैट्स मीन 6 मार्च को जारी किया गया है। पीडीएफ के फॉर्म में पूरी अपडेट है, ठीक है, प्रेस विज्ञप्ति है। छात्रों के हित में इसमें काफ़ी बड़ा फैसला लिया गया है और साल में सिर्फ 2 बार परीक्षा है। देखिए जिन लोगों को मैंने पीडीएफ सेंड किए थे उन लोगों लगातार मैसेज आ रहा है कि सर इसमें क्या है, क्या अपडेट है, इतना बड़ा पीडीएफ है इसको समझ में नहीं आ रहा है। अब भर्ती प्रक्रिया में काफ़ी तेजी होगी, पूरी पल पल की अपडेट जो हमारे चैनल के थ्रू हर वैकेंसी के लिए दिया जाता है तो इसी क्रम में ये भी अपडेट है, कुछ ही मिनट पहले ये आई है। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो में पूरी उस अपडेट को देख लेते हैं और जो लोग भाई बहन अभी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, जो भी एक्सपीरियंस हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर ले क्योंकि सारी ब्रेकिंग अपडेट हमारे चैनल के थ्रू दी जाती है किसी भी वैकेंसी के अपडेट को लेकर, साथ ही साथ फ्री आपका क्रैश कोर्स चलाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड उस प्रेस विज्ञप्ति को देख लेते हैं। दोस्तों ये रही आपकी प्रेस विज्ञप्ति, इसमें दे रखा है आज दिनांक लखनऊ में 6 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बैठक श्री प्रवीण कुमार जो कि अध्यक्ष हैं यूपी ट्रिपल एससी के इस टाइम आहूत अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में आयोग की परिधि में आने वाले उत्तर प्रदेश की विभिन्न शासकीय विभागों एवं उत्तर प्रदेश सरकार की स्थापित व नियंत्रित निगमों आदि के अधीन कार्यरत तृतीय श्रेणी ग्रुप सी के पदों के लिए है। आवेदन के लिए आवेदन की प्रक्रिया प्रणाली को सरल बनाने हेतु तो नवीन आवेदन प्रक्रिया अपने अभ्यर्थी को जाने मतलब नो योर कैंडिडेट KYC प्रक्रिया को अपनाए जाने की प्रक्रिया को त्वरित करने हेतु तो द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने के लिए निर्णय लिए गए। देखिए इसमें क्या है, नवीन आवेदन प्रक्रिया में इन्होंने दे रखा है कि वर्तमान व्यवस्था आयोग द्वारा जब कोई विज्ञापन निर्गत किया जाता है तो उसी समय उस विज्ञापन के सापेक्ष मात्र निर्धारित समयावधि हेतु ही आयोग की वेबसाइट पर आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यदि अभ्यर्थी परीक्षा में असफल होने पर किसी अन्य परीक्षा हेतु आवेदन करता है तो नए सिरे से अपनी पूर्ण विवरण के साथ नव विज्ञापित पद हेतु आवेदन करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में आवेदक को अनावश्यक धन श्रम एवं समय व्यय करना पड़ता है। कई बार अलग विज्ञापनों सापेक्ष प्रस्तुत आवेदनों में दिए गए विवरणों में अंतर एवं त्रुटियाँ भी पाई जाती है, अतः अभ्यर्थियों को बारम्बार आवेदन करने में होने वाली असुविधा से बचाने के लिए अभ्यर्थी को नोयर गेंड। देखिए फ्रेंड्स ये पहला दूसरा तीसरा जो पैराग्राफ है मैंने पूरा बढ़िया से इसको पढ़ लिया है, अब आपको पूरी डिटेल में मैं बता देता हूँ इसके जो 2-3-4 पैराग्राफ है। देखिए इन्होंने नो योर कैंडिडेट के अकॉर्डिंग ये किया है कि आपको अब से यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर जब ये शुरू होगी एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा। यूजर प्रोफाइल में आपकी पूरी अपडेट, आपके नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम सब कुछ, साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट्स है इसमें देखिए तो दूसरे में दे रखा है कि नाम, पिता का नाम, जाति, अन्य जन्मतिथि, श्रेणी आदि को संशोधित नहीं किया जा सकेगा। मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको वही फिल करना पड़ेगा जो आपके हाई स्कूल में या आधार कार्ड वगैरह में जो मतलब वैलिडेशन है, दैट्स मीन जो हाई स्कूल में है, ठीक है। आवेदक द्वारा उच्चतर शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने पर अपनी यूजर प्रोफाइल को तदनुसार अद्यावधिक किया जा सकेगा, मतलब उसमें चेंजेस किया जा सकेगा। नेक्स्ट है आपका आवेदक द्वारा अपलोड किए जाने वाले सभी प्रमाण पत्र उसके डिजिटल ई लॉकर में उपलब्ध रहेंगे व आयोग द्वारा यथा आवश्यकता उन्हें देखा व डाउनलोड किया जा सकेगा। मतलब अब जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है जैसे ऑनलाइन ई वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा, ये विश्वविद्यालय से बैठे बैठे इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन करवा लेंगे, मतलब इन सब में जो आपकी महीनों भर का चक्कर लगता है ये सब होता है वो इन सब चीज़ों को एकदम खात्मा होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जिन प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण या सत्यापन संभव नहीं है उनका भौतिक ऑफलाइन परीक्षण सत्यापन मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार के समय परीक्षा फल घोषित होने के तदनुपरांत आयोग स्तर पर कराया जा सकेगा। कालांतर में इस कार्य हेतु जनपद स्तर पर कैंप आयोजित करने का भी विचार किया जाएगा। देखिए फ्रेंड एक चीज़ मैं बता दूं, NCT लाने के लिए केंद्र जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस पे विचार कर रही थी लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने इसको पहले ही करके दिखाया है तो शायद इन सारे प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा तेजी आने वाली है। नेक्स्ट है आपका द्वितीय परीक्षा प्रणाली, द्वितीय स्तरीय परीक्षा प्रणाली सीमित संख्या के पदों के लिए भी आयोजित की जाने वाली परीक्षा में औद्योगिक संख्या के अत्यधिक दृष्टिगत होने के दृष्टिगत आयोग द्वारा भविष्य में किए जाने वाले चयनितों हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आयोग प्रथम स्तर पर विभिन्न यहाँ से देख लेते हैं विभिन्न विभागों के अधीनस्थ ग्रुप सी तृतीय श्रेणी की सभी पदों हेतु प्रारंभिक अर्हता परीक्षा आयोजित की जाएगी तथा द्वितीय स्तर पर केवल प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों हेतु। देखिए इसमें पूरा मैं बता दे रहा हूँ फिर से, ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसको काफ़ी बेहतर तरीके से पढ़ा फिर इस पर वीडियो बना रहा हूँ। देखिए इन्होंने कहा कि साल भर में 2 बार आपकी परीक्षा होगी। देखिए प्रारंभिक परीक्षा में दे रखा है, इसको PDF मैं सेंड कर दूंगा, आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इन्होंने कहा कि साल भर में 2 परीक्षाएं होंगी जो प्रीलिम्स लेवल की होंगी, अगर
टेप में आपका कम स्कोर है तो दूसरी बार भी आप बैठ सकते हो और हर साल बैठ सकते हो। इसका जो मार्क्स होगा 3 साल के लिए वैलिड किया जाएगा। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम आएंगे उनके लिए ये बताएंगे कि कितने परसेंट, चाहे वो 90 पूरे मार्क्स का 90%, चाहे 80%, चाहे 70%, जिस हिसाब से वैकेंसी होगी उसी हिसाब से ये कट ऑफ रखेंगे। उसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। अगर फ्रेंड्स आपको उसमें आपकी टाइपिंग टेस्ट वगैरह जैसे चीज़ें रखी जाती हैं तो उसी के आधार पे ये नंबर भी बढ़ाएंगे कि कितने गुने आपको बढ़ाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सब दे रखा है, जिसे इसमें देखिए प्रारंभिक परीक्षा में इनके इन्होंने पहले से दे रखा है वो भी बता दिया है, सिलेबस भी कि आपका जनरल नॉलेज होगा, करंट अफेयर्स होगा, हिंदी होगा और रीजनिंग होगा, हाई स्कूल स्तर की सामान्य गणित होगी। ठीक है, वही भी जो आप सब सर्वे एग्जामों के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, देखें नेक्स्ट है जो अभी मैंने बताया, प्रारंभिक अर्हकारी परीक्षा में आवेदकों को परसेंटाइल आधार पर स्कोर प्रदान किया जाएगा, जैसे एक कार्ड बन जाएगा, 3 साल के वैलिडेशन होगा, यहाँ पे देखो दे रखा है 3 साल के लिए। ठीक है, ये अपने अंकों को सुधारने के लिए पुनः परीक्षा प्रतिभाग कर सकेंगे, इस प्रकार के अवसर हो कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल्स है मुख्य परीक्षा में है। तो इन्होंने बताया कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, देखिए यहां से लास्ट में दे रखा है, देखिए यहां पे किसी भी विज्ञापित पद हेतु, ये पॉइंट नंबर 2 में काफी बड़ा कर दे रहा हूं, पद हेतु आयोजित की जाने मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों की जो शॉर्ट लिस्ट होगी थी प्रारंभिक अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त परसेंटेज स्कोर के निर्धारित कट ऑफ, चाहे अगर 90% चाहे 80% जो भी है, ठीक है, उसके आधार पर अथवा विज्ञापित पदों की संख्या के 15 गुना के आवेदकों की प्रारंभिक परीक्षा के परसेंटाइल से प्राप्त परसेंटाइल स्कोर के अवरोही क्रम, जैसे ये ऊपर से कट ऑफ बनाएंगे, ऊपर से कट ऑफ बनाएंगे, वो बढ़ते क्रम है, जहां 5 गुना होगा उतने बच्चों को ये शॉर्टलिस्ट कर देंगे। ठीक है, ये थी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। नेक्स्ट है आपका, इसमें इन्होंने जो मैंने पहले बताया वो भी कर दिया है, तो ये कुछ इन्होंने लास्ट में अपडेट दिया है, देखिए ये जो है, ठीक है, यही सारी चीज़ बार बार दो रहे। लास्ट वाला पॉइंट हम फिर से पढ़ ले रहे हैं, अभ्यर्थियों को न केवल शासकीय सेवाओं में चयन हेतु प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा बल्कि आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त स्कोर के आधार पर निजी क्षेत्र में भी सेवा आयोजन के अवसर सुलभ हो जाए। फ्रेंड जब ये सारी डिटेल्स आप भरोगे तो उसमें आपसे एक परमिशन मांगी जाएगी कि क्या आप ये जो डिटेल्स है वो जो गवर्नमेंट के सिवाय जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां उनके लिए भी आप इसको अप्लाई करना चाहेंगे, ये आप अगर आप सहमति देते हो तो ये जो लास्ट पैराग्राफ में दे रखा है, अगर आपका किसी प्रकार से यहाँ पे चयन नहीं होता तो गवर्नमेंट एजेंसी जो प्राइवेट एजेंसी है वो भी आपको हायर कर सकेंगी। तो ये थी पूरी डिटेल्स, अगर आपको अभी भी कोई डिटेल्स चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ यूपी, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी के द्वारा ये उठाया गया काफ़ी अच्छा कदम है और शायद इसके लिए इससे वैकेंसी में भर्ती में काफ़ी तेजी आएगी। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी डिटेल्स, वीडियो को लास्ट तक देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।